नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं परसेंटेज के एसएससी सीजीएल मेंस में 2011 से लेकर 2018 तक पूछे गए सारे क्वेश्चंस। टोटल 65 क्वेश्चंस करने वाले हैं और एकदम बेसिक से करेंगे, क्योंकि ये जो आपका परसेंटेज टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये यूज होता है, सीआईएसआई में भी यूज होता है। तो हम कह सकते हैं मैथ का मतलब आपके प्री के सिलेबस का तो लगभग 30-35% परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का यूज लगभग सारे चैप्टर में हो ही जाता है, तो परसेंटेज को ध्यान से पढ़ेंगे और बेसिक क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। और दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आने के बाद लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कहा गया इफ़ ये नंबर, यदि एक संख्या मल्टीप्लाइड बाई 25% ऑफ इट सेल्फ गिव्स अ नंबर विच इज 200% मोर देन द नंबर इज। ध्यान से देखिएगा, कहा गया अगर एक संख्या को इस संख्या के 25% से गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो 200% ज़्यादा है वो ओरिजिनल संख्या से, तो आपको संख्या बतानी है। यानी कि अगर हम कहें कि संख्या हमारी 4x होती, ठीक है, तो इसमें किससे गुणा किया गया है, इसके 25% से, यानी कि x से गुणा किया गया है, और जो संख्या प्राप्त होती है यानी 4x इंटू x, वो 200% ज़्यादा है 4x से, यानी कि 4x से 200% ज़्यादा है, यानी कि 4x प्लस 4x का 200%, यानी कि 8x। यानी कि हम कह सकते हैं 4x² इज इक्वल टू कितना, 12x, ठीक है। 4x² इज इक्वल टू 12x, यानी कि हम कह सकते हैं x के पावर से x कट गया, यानी x बराबर आ गया 3, और हमने संख्या कितनी मानी थी, 4x, यानी हमारी संख्या हो गई 4 × 3 = 12, समझ रहे हो। यानी 12 को अगर इसके 25% से गुणा किया जाएगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 12 से 200% ज़्यादा होगी, समझ आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट, समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स वैल्यू, इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज ₹729 देन इट्स वर्थ 3 years एगो आज। कहा गया कि अगर किसी वस्तु का मूल्य, डिप्रिसिएट मतलब क्या होता है, घटना, अगर किसी वस्तु का मूल्य हर साल 10% घट जाता है और 729 रुपये वर्तमान में उसकी कीमत है, तो 3 साल पहले कीमत कितनी थी। एक चीज़ बताइए, अगर 3 साल पहले कीमत 100 रुपये होती, या हम 100 ना मान के हम मान लेते हैं ₹X होती, तो X क्यों माना, क्योंकि बेसिक से आपको समझाना है। अगर हम मान लेते 3 साल पहले कीमत ₹X होती तो 1 साल में कितना घटता है, 1 से 10% घट जाता है, यानी 1 साल में बचता है वो 90%। अगर 10% घटता है यानी कि 1 साल में 9/10 हो जाता है, अगले साल फिर 9/10 इसका हो गया होगा, फिर अगले साल इसका 9/10 हो गया होगा, और ये बराबर आपको दिया गया है 729, समझ रहे हो। यानी हर साल 10% कम होता है, यानी हर साल अपने पिछले साल का 90% हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इंटू 3 साल का पूछा गया, तो 9/10³ बराबर 729। चाहे आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे, चाहे ये समझाने के लिए लिखा गया। अब x इंटू 9/100³ बराबर 729, हम यहाँ से कह सकते हैं x इंटू 9³ 729 बटे 10³ 1000 बराबर 729, कट गया। यानी x बराबर कितना हो गया, 1000 × 1, यानी कि आपके वस्तु का मूल्य 3 साल पहले कितना था, 1000 रुपये। कहा गया कि प्याज की कीमत जो है वो 50% से बढ़ जाती है, यानी प्याज की कीमत जितनी थी उससे 50% बढ़ गई। तो कहा गया इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन ओनियंस द सेम द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजम्पशन हैज़ टू बी, यानी प्याज की कीमत अगर 50% बढ़ जाती है तो उसकी खपत में कितनी कमी कर दी जाए। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, हिंदी माध्यम वाले ध्यान देंगे, प्रश्न को आप लिख लीजिए कहीं पे हिंदी में, कि अगर प्याज की कीमत 50% बढ़ जाती है तो अगर खर्चे को समान रखना है तो कितना प्रतिशत खर्चे को कम करना पड़ेगा, ताकि जो रुपया एक्सपेंडिचर आता है, खर्च आता है, वो समान रहे। ध्यान दीजिए, अगर हम माने कि पहले प्याज की कीमत 10 रुपये थी, ठीक है, और 10 किलो प्याज यूज करते थे महीने में, तो कितना रुपये की प्याज यूज कर लेते थे, 100 रुपये की। 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज की कीमत होती और 10 किलो यूज करते तो 100 रुपये पहले खर्च करते थे, लेकिन क्या हुआ कि प्याज का जो दाम है 50% बढ़ गया, यानी अभी प्याज का दाम 15 रुपये हो गया। और कहा गया कि खर्चा समान रखना, यानी 100 रुपये अगर पहले खर्च करते थे तो 100 रुपये अभी भी खर्च करेंगे, तो पूछा गया कितना परसेंट रिडक्शन होगा। अब आपको पता चल गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है, 100 रुपये में कितना किलोग्राम मिलेगा, 100/15, यानी कि 20/3 किलोग्राम प्याज अभी मिलेगी। यानी पहले 10 किलोग्राम मिलती थी, अभी 20/3 किलोग्राम मिलती है, तो कितने की कमी आई। आप कहेंगे 10 - 20/3 किलोग्राम की, यानी कितने की कमी आई,
10/3 किलोग्राम की। कितने की कमी आई? 10/3 किलोग्राम की। तो प्रतिशत में कितने की कमी आई? 10 किलो यूज होता था उसका एक तिहाई कम हो गया, एक तिहाई बोले तो 33 सही 1/3%। समझ में आ रहा है ना, 33 सही 1/3%। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड्स 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, देन ही गिफ्टेड आरएस 120। इफ ही इज लेफ्ट विद आरएस 1400 द अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज। आपसे कहा गया कि एक आदमी के पास कुछ रुपया है, ठीक है, एक आदमी के पास कुछ रुपया है, वो उसका 20% एक आर्टिकल को खरीदने में खर्च कर देता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 100 रुपये उसके पास थे, तो वो 20 रुपये की वस्तु खरीद लेता है। अभी उसके पास कितने बचे? 80 रुपये। अब कहा गया 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट पे 80 का 5% खर्च कर देता है, यानी 4 रुपये वो किस पे खर्च कर देता है? ट्रांसपोर्ट पे। कहा गया देन ही गिफ्टेड आरएस 120। आप इसको 100x मानो, ये 20x यहाँ खर्च कर देता है, 80x बचा था तो 4x यहाँ खर्च कर देता है, और कहा गया 120 रुपये गिफ्ट कर देता है, यानी कि 80x में से 4x यहाँ निकल गया, यानी अभी बचा था 76x और उसमें से 120 रुपये उसने गिफ्ट कर दिए। और कहा गया कि अब उसके पास 76x से 120 का गिफ्ट कर दिया, तो बचे कितने? 1400 रुपये, यानी 76x इज इक्वल टू हो गया 1520, यानी x बराबर कितना हो गया? 1520/76, यानी 20 रुपये। अभी x बराबर 20 आ गया, तो आपसे पूछा गया कि ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना रुपया खर्च किया, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना खर्च किया था? 4x रुपीज, यानी कि x बराबर 20 है तो 4x = 80 रुपीज। ठीक, कहा गया इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने प्रतिशत फेल हुए? 52%, इंग्लिश में 52% फेल हुए, और 42% मैथमेटिक्स में फेल हुए, 42% फेल हुए मैथमेटिक्स में। कहा गया इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स देन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स वाज। कहा गया कि 17% लोग इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हो गए, इंग्लिश और मैथ दोनों में कितने लोग फेल हुए? 17%, दोनों को इंटरसेक्शन से व्यक्त करते हैं। अब आप एक चीज़ निकालो कि फ्रेश एक सब्जेक्ट में कितने फेल हुए, तो आप कहेंगे अगर हम बात करें कुल फेल होने वालों की संख्या, तो आप कहेंगे ई यूनियन एम, यानी कि दोनों में मिला के कुल फेल होने वालों की संख्या, तो आप कहेंगे ई प्लस एम माइनस ई इंटरसेक्शन एम। अभी मैं इसको उससे भी वेन डायग्राम से भी प्रूव कर दूंगा। तो ई प्लस एम, 52 + 42 कितना हो गया? 94। 94 में से 17 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 94 में से 17 घटाइए तो आपका बच जाएगा 77, यानी 77% लोग इंग्लिश और मैथ मिला के फेल हो गए हैं। अब एक चीज़ बताइए, अगर 100% कहीं कैंडिडेट हों और 77% फेल हो चुके हों, तो कितने परसेंट पास हुए होंगे? 100 - 77, यानी कि 23%। समझ आ गया? तो आपको ये याद रखना है कि ई यूनियन एम इज इक्वल टू होता है ई प्लस एम माइनस ई इंटरसेक्शन एम, यानी ई में फेल होने वालों की संख्या, एम में फेल होने वालों की संख्या, और ई और एम दोनों में फेल होने वालों की संख्या। अब हम देख लेते हैं वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। देखो ये आपका इंग्लिश सेगमेंट है, ये मैथ सेगमेंट है, और ये टोटल है। ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज़ बताइए, कहा गया दोनों में कितने फेल हुए हैं? 17%, यानी 17 तो यहाँ आ गए, ये मान लो इंग्लिश है, ये मैथ है। अब एक चीज़ बताओ, 17 तो इधर इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में कुल कितने फेल हुए हैं? 52%, तो 17 यहाँ पे है, 35 यहाँ पे आ गया। और आपसे कहा गया कि मैथमेटिक्स में कितने फेल हुए हैं? 42%, तो 17 यहाँ है, 25 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कुल फेल कितने हुए, 5, 7, 12, 5, 17 और 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 77% फेल हो गए, यानी इसमें मिला के 77 आ गए, यानी 77% फेल होने वालों में आ गए। और आपको पता है टोटल थे 100, तो आपके 23 पास हो गए, ये पास होने वाला टोटल स्टूडेंट अगर ये हो, तो आप कहेंगे जी जब 77 फेल हो गए तो 23 लोग पास हो गए। समझ आ गया ना? चलो अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया कि इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, यानी कि केवल 2 कैंडिडेट थे। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ द वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। देखिए कहा गया एक चुनाव में केवल 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, केवल 2 लोग, ठीक है, अपने यहाँ का प्रधानी का चुनाव नहीं है, वहाँ पे केवल 2 लोग लड़ते हैं। कहा गया एक कैंडिडेट 40% पाता है वोट और दूसरे कैंडिडेट से 298 वोट से हार जाता है। एक चीज़ बताओ, मान लो ए अमर और भानु लड़ते हैं, अमर को 40% वोट मिलते हैं, अब जब 2 ही लोग लड़े थे तो भानु को 60% मिल जाते होंगे। और कहा गया अगर ये 60% पाएंगे, 40% पाएंगे, तो ए कितने वोटों से हारेगा? 60 - 40, यानी 20% वोटों से हारा है। कौन? ए। ए 20% वोटों से हारा है, और ये 20% बराबर दिया गया है 298।
अगर 20% 298 दिया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं 20% कितना होता है 1/5, टोटल ओट्स का 1/5 बराबर दिया गया है 298, यानी टोटल ओट्स कितने हो जाएंगे 298 × 5, यानी कि 1500 में से 10 घटा देंगे 1490। आप कहेंगे कैलकुलेशन कैसे करी, तो इसको मानिए 300 305 1500, और यहाँ पे दो दो कम कर दीजिए 5 बार, तो कितना आ जाएगा 1490। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते, कहा गया कि ये नंबर इंक्रीज्ड बाई 22 1/2% गिव्स 98, द नंबर इज, कहा गया एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो संख्या 98 हो जाती है। आपको संख्या निकाला, एक चीज़ बताओ कि संख्या अगर मान लो हमारी 50 होती, ठीक है पहले 50 वाले से कर लो, या 100 मान लो, संख्या हमारी 100 होती तो उसको 22.5% बढ़ाने पे वो कितनी हो जाती 122.5 हो जाती, और ये 122.5 बराबर दिया गया 98, क्योंकि हमारी संख्या 122.5 ना होकर 98 हो जा रही है। यानी कि आपसे कहा जाए कि अगर 122.5 बराबर 98 है तो हमने संख्या को कितना माना था 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 98/122.5 और × 100। अब यहीं से मास्टर आपको ट्रिक बताते हैं कि जितनी हो गई उसको लिखिए, बटे 100 प्लस कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज परसेंट लिखिए और × 100 लगा दीजिए। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पे किया है। अब देखो 25 से काट, ये पहले पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा दो, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 हो गया, 25 से काट दो, 25 × 100 25 × 9 और 25 से कटेगा ये 40 आ जाएगा, 49 से कटेगा 49 × 2 = 98, 2 × 40 कितना हो गया 80, यानी हमारी संख्या कितनी थी 80। समझ आ गया। अब देखो 45 और 18 तो होंगे नहीं, क्योंकि इनका 22.5% अगर जोड़ेंगे भी तो ये 60 नहीं क्रॉस होंगे, अगर ये 60 नहीं क्रॉस हो रहे हैं तो आपका 80-81 में से बचा। अब 80-81 में से किसी को मार्क कर सकते थे, मान लो तुक्का भी मारना होता तो। कहा गया इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, बी गॉट 10% लेस मार्क्स देन सी, एंड सी गॉट 25% मोर देन डी, इफ डी गॉट 320 मार्क्स आउट ऑफ 500 द मार्क्स ऑब्टेंड बाय ए वर। देखो ए बी सी डी चार लोग परीक्षा देते हैं, उसमें कहा गया कि डी को 320 मार्क मिलते हैं, डी को 320 मार्क मिलते हैं, और कहा गया सी जो है 25% ज़्यादा पाता है डी से, यानी कि इससे 25% ज़्यादा, इसका 25% मतलब 1/4 यानी 80 ज़्यादा, यानी कि सी को मिलते हैं 400, और कहा गया कि बी गॉट 10% लेस देन सी, यानी कि 10% लेस पाता है बी सी से, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 40 इससे कम बी पाता है, यानी कि बी कितना पाता होगा 360, और कहा गया ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी, यानी इससे 25% ज़्यादा पाता है, 25% कितना हो जाएगा इसका 1/4 यानी कि 90, इससे बी से 19 मार्क्स ज़्यादा, यानी 360 से 90 ज़्यादा, यानी कि 450, तो पूछा किसका गया है, ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो कितना आ गया 450। कहा गया थ्री सीट्स ऑफ 40, 50 and 60 स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन एंड द पास परसेंटेज वाज 100, 90 and 80 रिस्पेक्टिवली, द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट इज। अब देखो कहा गया 40, 50 and 60 सेट, मतलब स्टूडेंट पहले सेट में 40, मान लो पहले क्लास के 40 स्टूडेंट, दूसरे क्लास के 50 स्टूडेंट और तीसरे क्लास के 60 स्टूडेंट परीक्षा देते हैं, पहले में 100% पास हो जाते हैं, यानी कि इसके 40 के 40 पास हो जाते हैं, दूसरे के 90% संख्या में पास होते हैं, यानी 50 के 90% 45 लोग पास होते हैं, एंड थर्ड वन का 80% यानी 60 में से 80% यानी कि 48 लोग पास हो जाते हैं। तो पूछा गया ओवरऑल पास परसेंटेज कितना था, तो कितने लोग कुल पास हुए 40, 45 + 48 यानी कि 133 जोड़ लीजिएगा, हाँ 133 हो गया, यानी कि टोटल पास लोग कितने लोग पास हुए 133 लोग, और टोटल एग्जाम कितने लोगों ने दिया था 40, 50 and 60 150 लोगों ने, तो कुल कितने पास हुए, कितने परसेंट में पास हुए, 150 का कितना परसेंट है 133, तो आप कहेंगे 133/150 में से 133 पास हुए तो कितने परसेंट लोग पास हुए 133/150 × 100, यानी कि ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 से कटेगा है नहीं तो इसको गुणा कर लो, यानी कि 2 6 6 / 3, 3 8 = 24, 3 8 = 24 सही 2/3, तो आपका आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट वाला 88/3। अगले पे आ जाते हैं, कहा गया कि इफ ईच एज ऑफ ये क्यूब इज इंक्रीज बाय 50% द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया आर, सरफेस एरिया इज यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। कहा गया कि अगर किसी भी क्यूब के सभी किनारों को 50% बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 50% बढ़ा दिया जाए, तो आपसे कहा गया उसके सरफेस एरिया में क्या परिवर्तन आएगा। एक चीज़ बताओ, अगर साइड हम माने कि शुरुआत में 4 थी या 2 मान लो 2 थी, ठीक है, अरे एज जो है वो 2 था, अब कहा गया कि अभी एज कितना हो गया, यानी ए डैश कितना हो गया 2 से 50% ज़्यादा यानी 3 हो गया,
अच्छा पहले सरफेस एरिया कितनी रही होगी, 6a स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया का फार्मूला 6a स्क्वायर होता है, यानी कि 6 × 4 यानी 24 पहले सरफेस एरिया थी, और अभी कितनी हो गई, 6a² यानी 6 × 9 = 54। तो कितना बढ़ी, आप कहेंगे जी 24 से 30 बढ़ गई, तो कितना परसेंट बढ़ी, आप कहेंगे 30 24 का कितना परसेंट है, 30/24 × 100 करेंगे, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 4 × 1 = 25, 25 × 1 = 125, यानी 125% बढ़ जाएगा। आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा सक्सेसिव से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 50% अगर एक्स और वाई दो क्रमागत वृद्धि होती है, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 की नेट रिजल्टेंट वृद्धि होती है, यानी 50 + 50 + 50 × 50 2500 / 100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी टोटल कितना जाएगा, 50 + 50 = 100 / 25 = 125। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वॉल्यूम पूछ लिया गया। अब देखो वॉल्यूम पे कहा गया कि अगर ईच साइड यानी कि साइड बढ़ाई गई है 10% से, साइड जो है वो 10% से इंक्रीज की गई है, तो आपसे पूछा गया वॉल्यूम में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है a³, यानी कि अगर हमारी साइड पहले 10 होती तो अब a' कितनी हो गई, 10% बढ़ गई यानी 11 हो गई, तो पहले वॉल्यूम कितना था, 1000 था, अभी कितना हो गया, 11 का क्यूब, अरे 10 का क्यूब पहले वॉल्यूम था, अभी 11 का क्यूब हो गया यानी 1331, तो कितना बढ़ा, 331, यानी कितना परसेंट, 1000 पे 331 बढ़ा यानी 33.1%, करेक्ट ऑप्शन c1। देखो कहा गया ये रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 3 kg मोर फॉर RS 100 देन द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द आइटम पर kg। कहा गया कि अगर किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो जाती है तो एक आदमी 3 किलो ज़्यादा सामान खरीद पाता है 100 रुपये में, तो आपसे कहा गया कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगी, रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगी। देखो एक चीज़ बताओ, अगर हम माने कि पहले कीमत, देखो पहले हम मान ले पहले कीमत ऐसे देखो 100x रुपये थी, तो अभी कीमत कितना हो गई, 21% कम हो गई, 21% कम हो गई यानी कि 79x हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर 100x रुपये पहले कीमत थी, ये प्राइस है, तो वो कितना मात्रा में खरीदता था, 100 रुपये में, अगर खरीद आपको पता हो कि 100x रुपये किसी वस्तु की कीमत है और 100 रुपये में कितना वस्तु मिलेगी, आप कहेंगे 100/100 + 100/100x, अरे कुल रुपया बटे कुल मूल्य 1 किलोग्राम का, और अब 79x हो गया तो आप कितना मिलेगा, 100/79x, ठीक है। आपको दिया गया कि जो ये 100/79x है ये 3 किलोग्राम ज़्यादा है इससे पहले से, मतलब पहले से आप 3 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पाता है, यानी इसमें 3 जोड़ दीजिए तो इसके बराबर है ये, यानी हम कह सकते हैं 100 से 100 कट गया, तो 1/x + 3 = 100/79x, या हम 79 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो हम कह सकते हैं 79/79x + 3 = 100/79x, यानी इसको इधर ले आओ तो ये 100/79x - 79/79x = 3 आया, यानी आपका कितना हो गया, 21/79x = 3, या हम 3 को इधर भेज दें 79x को उधर, तो 79x = कितना हो जाएगा, 21/3 यानी कि 7 रुपये। और हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था घटा हुआ मूल्य, हमने घटा हुआ मूल्य देखा था कितना है, 79x, हमारा 79x आ कितना गया, 7 रुपये, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 7 रुपये, समझ आ गया। अब देखो आपको सीधे क्या दिख रहा होगा, 21% 3 किलोग्राम, 3 से भाग करो कितना, 7, तो यही एट लास्ट हुआ है। इसकी ट्रिक आगे वाले क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि ट्रिक क्या है, यहाँ पे पहले बेसिक सीखो, अगले क्वेश्चन में हम ट्रिक से करेंगे। कहा गया कि द नंबर दैट इज टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230। इस तरह के क्वेश्चन अब प्री में बहुत पूछे जाते हैं कि 320 के 10% में यानी 32 में कितना जोड़ें ताकि हमें 230 का 30% मिल जाए, 230 का 30% कितना हो जाएगा, 230 × 30/100 यानी 69। तो आपसे सीधे पूछा गया 32 में कितना जोड़ें कि ये 69 हो जाए, तो आप कहेंगे 37, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन। कहा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर बाई 10%, यानी एक साल 10% बढ़ती है और एक साल 10% घटती है, क्या चीज़, स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल यानी एक स्कूल में छात्रों की संख्या। इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2000 यानी 2000 में बढ़ना शुरू हुई। कहा गया देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003 एज कम्पेयर टू दैट इन 2001। अब देखो 2001 से स्टार्ट हुई, 2001 में पहली बार बढ़ा, यानी 2000 से स्टार्ट हुई अगर बढ़ना तो 2001 में कितनी हो गई होगी, 2001 में 10% की वृद्धि, 2002 में 10% की कमी, 2003 में 10% की वृद्धि,
यानी ओवरऑल चेंज कितने का आया। आप कहेंगे कि जी दो बार, ये एक बार बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, यानी कि ओवरऑल आपका 10% बढ़ा, फिर 10% घट गया, फिर 10% बढ़ा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट के चेंजेज आए होंगे। अगर 100 होती जनसंख्या 2000 में, तो 2001 में कितनी हो गई होगी, 10% बढ़ के 110 हो गई होगी, ठीक है। फिर 10% की कमी यानी 99 हो गई होगी, और फिर 99 से 9.9 2003 में बढ़ गई, यानी कि 108.9 हो जाएगी, यानी कि 100 की तुलना में, अगर 2000 में 100 होती तो 100 की तुलना में अभी जनसंख्या कितनी होगी, 8.9% बढ़ गई, 8.9% बढ़ गई। फिर से समझिएगा, देखो अगर हम 2000 की जनसंख्या की बात करें, 2000 में, तो 2000 में पहली बार 10% बढ़ी, यानी 10% बढ़ के 110 हुई होगी। फिर कहा गया 2001 में 10% कमी हुई, यानी कि अब 99 हो गई होगी। फिर 2002 में, जब 2002 स्टार्ट हुआ तो 99 थी, अब 2009 के स्टार्टिंग में अगर 99 होती, फिर 10% आपका बढ़ना था, 10% 2002 में यहाँ पे देखिए बढ़ गया, तो 2003 में जनसंख्या कितनी हो गई होगी, 99 से 10% बढ़ के यानी 9.9 बढ़ के, यानी अब हो गई 108.9, यानी 100 से स्टार्ट हुआ था, 108.9 पे ख़त्म हुआ। अब जैसे पूछा गया कि 2003 में, तो 2003 का कहने का मतलब है कि 2003 के स्टार्ट में, डन। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न देखिएगा, कहा गया 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, सी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, तो आपको वैल्यू बतानी है एक्स की। देखो 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 2b, सॉरी बी बराबर 2a। देखो फिर से 60% ऑफ ए, यानी कि 60 ऑफ ए इज इक्वल टू 30 ऑफ बी, यानी 30% ऑफ बी, और बी जो आपको दिया गया है वो कितना है 40% ऑफ सी, यानी 40/100 ऑफ सी, और कहा गया सी जो है वो एक्स परसेंट ऑफ ए, यानी कि एक्स बटे 100 ऑफ ए दिया गया है। तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है बी बराबर कितना है, यहाँ से देखो बी को सॉल्व करो, बी बराबर यहाँ से 100 कट गया, 30 × 60, यानी बी की जगह पर हम 2a रख सकते हैं, तो यानी कि आपको दिया गया 2a इज इक्वल टू 40/100 सी। क्यों, यहाँ पे देखिए बी की जगह पे 2a रख दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि सी बराबर हो जाएगा, ये 40 दो से कट के 20 हो जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 100/20 ऑफ ए। 100/20 मतलब 5 गुना है, सी जो है वो ए का 5 गुना है। अगर सी ए का 5 गुना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कितना परसेंट है, अगर 5 गुना यानी कि 500%, 1 गुना मतलब 100%, 2 गुना 200%, ऐसे 5 गुना मतलब 500%, तो सी ए का कितना परसेंट है, 500%। या फिर आप ऐसे मान सकते थे, हम किसी एक की वैल्यू मान लेते, हम मान लेते हैं कि ए बराबर मान लो 10 होता, ए बराबर 10 होता, तो 60% ऑफ ए यानी 6 बराबर हो जाता 30% ऑफ बी, यानी 3/10 ऑफ बी, यानी कि अगर 3/10 ऑफ बी बराबर 6 है, तो हम बी बराबर कितना कह देते, बी बराबर कितना हो जाता, 20, बी बराबर 20 हो गया। आप कहा गया बी जो है वो 40% है सी का, यानी सी का 40%, यानी सी गुड़े 4/10 बराबर 20 हो गया, तो सी बराबर कितना हो गया, 200/4 यानी कि 50। अब सी 50 है, ए 10 है, तो ए का कितना गुना है सी, 5 गुना यानी कि 500%, तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल एंड 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड, द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ इन द ऑफिस। कहा गया कि किसी ऑफिस में 40% जो है वो फीमेल हैं, और 70% फीमेल में से जो फीमेल हैं उनकी 70% हिस्सा, और मेल का 50% हिस्सा मैरिड है यानी विवाहित है, तो आपको निकालना है अनमैरिड यानी कि अविवाहित परसेंटेज निकालना है, अविवाहित स्टाफ का परसेंटेज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। कहा गया अगर हम मान लें 100%, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, स्टाफ 100% रही होगी, यानी 40% स्टाफ अगर फीमेल है तो मेल कितना बचा, 60%, यानी 60% मेल है। अब कहा गया 70% ऑफ फीमेल स्टाफ, यानी इसका 70%, यानी 28% हो जाएगा, 28% इधर मैरिड है, और 60 का 50%, यानी 30% टोटल का इधर मैरिड है, तो टोटल मैरिड कितने हो गए, 30+28 यानी 58%, यानी 58% टोटल मैरिड हैं। आपको पता है 100% थे जिसके 58% मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने हो जाएंगे, 100-58 यानी 42%, ठीक है 42%। देखो ये प्रश्न फिर बेसिक से हम करें अगर, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। कहा कि वाटर टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% बट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय 20%। कहा गया कि वाटर टैक्स जो है, वाटर टैक्स जो है वो 20% से बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अगर वो 10 होता तो अभी वो हो गया 12, ठीक है। कहा गया लेकिन जो कंजम्पशन है वो 20% घट जाता है, यानी कंजम्पशन अगर पहले 5 था तो अभी 4 हो गया,
तो आपसे कहा गया कि जो इसके एक्सपेंडिचर है उसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। आपको पता है एक्सपेंडिचर कितना होता है, वाटर टैक्स और इनटू कितना कंजम्पशन। तो 10 × 5 ₹50 पहले खर्चा हो रहा था, अभी 12 के भाव से 4 लीटर यूज कर रहे हैं, यानी कि 48 रुपये अभी खर्चा आ रहा है। यानी कि पहले ₹50 आता था, अभी ₹48 आता है, यानी कितना परसेंट कम हुआ। आप कहेंगे जी 50 से 48, यानी 2 कम हुआ 50 पे, यानी 4% क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, 4% डिक्रीज हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। देखो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, कहा गया ये नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज्ड नंबर, ठीक है, द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाई। ये देखो कहा गया कि एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, अगर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त करनी है फिर से, तो जो संख्या बढ़ने के बाद आई थी उसको कितना प्रतिशत घटाया जाना चाहिए। देखो हम मान ले 100 अगर हमारी संख्या होती, तो 20% बढ़ाने के बाद अभी 120 हो गई, और अब हमें 120 से 100 पे जाना है। 120 से 100 पे जाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा, और 20 120 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 20/120 × 100, यानी कि आपका हो गया ये 6 हो गया, 100/6 कितना होता है 16, सही 2/3%, समझ आ गया ना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कहा गया ये विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट्स इन अ फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग, ये रिमाइंडर नहीं रिमेनिंग कर लीजिएगा, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग डाइड फ्रॉम डिजीजेस, इफ द नंबर लेफ्ट नाउ इज 8360, व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर बिफोर द फ्लड। कहा गया कि एक गांव में बाढ़ आई जिसके कारण 12% बकरियां मर गई, यानी कि जो बाढ़ के कारण मरी वो किससे मर, मतलब कितनी मरी 12%, यानी कि फ्लड के कारण 12% मर गई, तो अब रिमेनिंग कितनी होंगी, 100% में से 12% मर गई, यानी 88% अभी रिमेनिंग है। अब कहा गया रिमेनिंग का 5% डिजीज से मर गई, यानी डिजीज से कितनी मर गई, डिजीज से 5%, 88 का 5% बोले तो 4.4%, यानी कि 88% बचा था, अब 4.4% और कम हो गया, यानी अब रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग माइनस डिजीज जो थी उनको घटा लेंगे, यानी कि ओरिजिनल रिमेनिंग अब कितना है, या नाउ रिमेनिंग कितना है, अब कितनी बची हुई हैं, 88 − 4.4 यानी कि 83.6% और ये 83.6% आपको दिया गया 8360, यानी 83.6% बराबर 8360, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1% बराबर 100 हो गया, तो आपसे 100% बराबर कितना हो जाएगा, अगर 1% 100 है तो 100% बराबर 120, इसके बाद 20 यानी 10,000, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 10,000। देखिएगा कहा गया ये स्कोर 72% इन अ पेपर विद द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900 एंड 80% इन द अनदर पेपर विद द मैक्सिमम मार्क ऑफ 700, इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ टू पेपर, द कंबाइंड परसेंटेज। कहा गया कि ए जो है 72% नंबर पाता है पहले पेपर में, पहला पेपर कितने अंक का है, 900 अंक का, जिसका 72% वो पाता है, दूसरा पेपर है उसका 700 मैक्सिमम अंक है जिसका वो 80% पाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि अगर रिजल्ट जो है, जो परिणाम है, वो दोनों पेपर को मिला के ओवरऑल परसेंटेज घोषित किया जाता है, तो उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या है, ध्यान से देखिएगा, 900 में 72% पाता है, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, 900 में अगर वो 72% पाता है, यानी कितना नंबर पाता होगा, 648, अरे 900 का 72%, 9 × 72 कितना हो जाएगा, 648, और 700 का 80% पाता है, यानी 560, यानी उसे ओवरऑल कितने मिले, 648 + 560 यानी 8012, और पूर्णांक कितने का था, 1600 का, यानी 1600 टोटल पूर्णांक में से उसे मिले 1208, तो कितना परसेंट मिला, 1208/1600 × 100 यानी कि 1208/16 बचेगा, 8 से काट दो 8 × 2 = 16 हो गया, 8 से काटेंगे 8 × 1 = 40, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 2 से 151 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75.5%, तो आपका कितना रिजल्ट उसका कितने परसेंट का है, यानी उसके ओवरऑल रिजल्ट में 75.5% मिले हैं, डन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा कि एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वार, यानी वार में 10% कोई युद्ध होता है जिसमें एक आर्मी अपने 10% जवान खो देती है, यानी शहीद हो जाते हैं, 10% बचे हुए डिजीज के कारण मर जाते हैं, और 10% डिसेबल घोषित कर दिए जाते हैं, यानी युद्ध में चोट लग गई जिसके कारण उन्हें डिसेबल घोषित कर दिया गया, रेस्ट लिखा गया है, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे, देखिए हर जगह रेस्ट लिखा गया, ठीक है, रिमेनिंग है रेस्ट। कहा गया दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वार रिड्यूस टू 729000 एक्टिव मैन, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वाज, ध्यान दीजिएगा।
अगर हम माने ओरिजिनल स्ट्रेंथ एक्स होती तो एक्स से 10% कम कर दिया, कहा कि 10% मर गए, 10% मर गए यानी कि अभी 90% बचे, यानी 9/10 बचे। कहा गया कि फिर 10% इसके मर गए रोग से, यानी इस अगर 10% मर गए तो अभी इसका 90% अभी इतने बचे थे, अब इसमें से 10% किससे मर गए, रोग से, यानी अब इसका 90% बचे, 90% बोले तो 9/10 अब इसका बचे रोग से मरने के बाद, अब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ बची। अब कहा गया जितना बचा है रेस्ट इतना है, इसका 10% जो है वो डिक्लेयर मतलब क्या कहे डिसेबल घोषित कर दिए गए, यानी अब इसके 9/10 बचे हैं जो फिट हैं। और आपको दिया गया ये स्ट्रेंथ दी गई है टोटल 7291230 999 कट के 729 एक आ जाएगा, यानी x बराबर ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, एक के बाद 30 और गुड़े एक के बाद 30, यानी कि एक के बाद 60 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक के बाद 60 आपका आंसर हो गया, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो गया। कहा गया ये बॉय फाउंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम 1/4 कर लीजिएगा यहाँ पे एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज 0.45, यानी कि 1/4 और एक लड़के को कहा जाता है कि 1/4 और 1/5 का सम लो यानी कि योगफल निकालो और उसको यूनिटी यानी कि एक में से घटाओ और जो आंसर आए उसको डेसिमल में लिखो, और उसने निकाला 0.45 उसका आंसर आ गया। तो आपको बताना है उसके आंसर में कितने प्रतिशत की कमी मतलब गलती थी। अब देखो अगर 1/4 और 1/5 का सम करा जाए तो कितना हो जाएगा, 9/20 हो गया, और 9/20 को एक में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11/20 11/20 बचेगा, यानी 11/20 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 0.55, यानी उसका आंसर ओरिजिनल आना चाहिए 0.55, लेकिन उसने जब सॉल्व किया तो आया है 0.45, यानी कि उसके आंसर में कितने परसेंट का एरर है, तो आप कहेंगे जी 0.10 का एरर है आउट ऑफ 0.55, तो कितने परसेंट, 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी ये कट गया तो ये आपका बचा कितना, 5 × 2 = 10, 5 × 11 यानी 200/11% आपका एरर आ रही है। ठीक है, कहा गया ये लाइन ऑफ लेंथ 1.5 meters वॉज मेजर्ड एज 1.55 meters बाई मिस्टेक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर परसेंट। देखो एरर परसेंट बराबर होता है ओरिजिनल वैल्यू अपान डिफरेंस जो आता है, मतलब डिफरेंस अपान ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। डिफरेंस कितने का आया है, 1.55 और 1.5 ओरिजिनल था, तो यानी कि 0.05 इतने का एरर आया, ओरिजिनल कितना था 1.5, गुड़े 100 कर दो आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये 5 बचा गुड़ा होने के बाद, तो 5/1.5 यानी कि 50/15 बचा आप समझ लो, तो 10/3 हो जाएगा, यानी कि 3 सही 1/3%, तो आपका करेक्ट आंसर 3 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन में कहा गया ये बिजनेसमैन इंपोर्टेड लैपटॉप वर्थ 210,000, मोबाइल फोन्स वर्थ 100,000 रुपये और टेलीविज़न सेट वर्थ 150,000 रुपये। ही हैड टू पे 10% ड्यूटी ऑन लैपटॉप्स, 8% ऑन फोन एंड 5% ऑन टेलीविज़न सेट्स एज स्पेशल केस। हाउ मच टोटल ड्यूटी इन रुपीज़ ही हैड टू पे ऑन ऑल द आइटम्स एज पर अबव डिटेल्स। आपको दिया गया कि उसने लैपटॉप कितने का खरीदा, 210,000 का। ठीक है, उसने एक मिनट, हाँ ठीक है, लैपटॉप 210,000 का खरीदा, फ़ोन खरीदा उसने 100,000 रुपये का, बिजनेसमैन है तो ज़्यादा महंगा फ़ोन खरीदता है। और आपको दिया गया है कि उसने टेलीविज़न सेट जो खरीदा वो कितने का खरीदा, 150,000 रुपये का। ठीक है, आपसे कहा गया कि उसको ड्यूटी देनी पड़ती है यानी टैक्स पे करना पड़ता है, 10% ड्यूटी देता है वो लैपटॉप पे, 8% फोन्स पे एंड 5% ऑन टेलीविज़न सेट। अब एक चीज़ बताओ, 210,000 का 10% यानी कि 21,000 रुपये इस पे देता है लैपटॉप पे, 10% 100,000 का यानी 8,000 रुपये फ़ोन पे देता है, और 150,000 का 5% वो किस पे देता है, टीवी सेट पे, यानी 7,500 रुपये यहाँ ड्यूटी देता है। तो टोटल वो कितने की ड्यूटी देता है, 21,000, 8,000 और 7,500, 21,000, 28,000, 36,000 और 500 और 36,500 रुपये वो टोटल टैक्स के रूप में पे करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कहा गया ये मैन स्पेंड 7.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग ही हैड ₹370 लेफ्ट, हाउ मच मनी डिड ही हैड। कहा गया कि एक आदमी अपने कुछ जो उसके पास रुपए थे उसका 7.5% पहले खर्च कर देता है, अब उसके पास जो बचा है उसका 75% खर्च कर देता है, और कहा गया अब उसके पास 370 रुपये बचे हैं, तो कहा गया शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे,
एक चीज़ बताओ, अगर उसके पास एक्स रुपए होते तो उसने 7.5% पहले ही खर्च कर दिया, यानी 7.5% खर्च कर देगा तो यानी कि 92.5, यानी 92.2% उसके पास बचे हुए हैं, 92.2% अब उसके पास बचे हुए हैं। अब कहा गया कि इसका रिमेनिंग का 75% उसने फिर खर्च कर दिया, यानी 75% खर्च कर देगा तो यानी कि 25% बचेगा। अब उसके पास 7.5% खर्च करने के बाद इतने रुपए थे, और कहा गया इसका 75% उसने फिर खर्च कर दिया, यानी इसका 25% अभी बचा हुआ है, और यही रुपए दिए गए हैं आपको 370। तो आपसे कहा गया कि उसके पास शुरुआत में कितने रुपए थे, तो आपको पता है x इंटू 92.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 = 2, 9 = 18, यानी कि 185 / 2%, और इसका 25%, यानी कि x का 185/2% का 25% बराबर आपको दिया गया 370। तो आपको पता है कि a परसेंट बराबर होता है a/100, तो ऐसे 185/2% 185/200 हो जाएगा, और 25% हो जाएगा 25/100, ये बराबर आपको दिया गया 370। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो सॉल्व करें 185 × 370, 25 × 100, 200 × 800, 800 का 2 में गुणा हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 1600, यानी कि शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे 1600। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया 40% आर द पासिंग मार्क्स, यानी कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए 40% पाना जरूरी है। कहा गया ये स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्ड बाई 38 मार्क्स। कहा गया एक स्टूडेंट को 250 मार्क्स मिले लेकिन फिर भी वो 38 मार्क्स से फेल हो गया, तो कहा गया मैक्सिमम मार्क कितने हैं। एक चीज़ बताओ, अगर 250 नंबर पाने के बाद वो 38 नंबर से फेल हो जाता है, यानी पासिंग मार्क कितने थे, अरे 250 पाने के बाद 38 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 250 + 38 और पाया होता तो वो पास हो जाता है, यानी 288 पासिंग मार्क थे। और आपको पता है जो पासिंग मार्क है वो टोटल का 40% है, यानी कि जो टोटल मार्क का 40%, यानी कि 2/5 टोटल मार्क का 2/5 आपको दिया गया है 288, क्योंकि 288 हमने निकाला अंक में कि 288 पा जाता है तो वो पास हो जाता है, यानी पासिंग मार्क अगर हम बात करें तो 288 है, और उसी 288 को 40% भी कहा गया है, यानी टोटल मार्क का 40%, यानी 2/5 बराबर है 188। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क गुड़े 2/5 बराबर 288, 2 से कटेगा 144 आ जाएगा, यानी टोटल मार्क बराबर हो जाएगा 144 × 5, यानी 720, यानी 720 नंबर का परीक्षा आपका हुआ था, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया रवि इज 12 ईयर्स एंगर देन सूर्या, रवि'ज एज इज 40% ऑफ सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज, व्हाट विल बी सूर्याज एज 9 ईयर्स हेंस। ध्यान दीजिएगा, कहा गया रवि जो है वो सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि के बारे में क्या कहा गया कि ये सूर्या से 12 साल छोटा है, यानी हम कह सकते हैं 12 + रवि की एज बराबर हो गई सूर्या की एज। और कहा गया रवि की जो एज है, यानी रवि की जो एज है वो रवि और सूर्या के सम के, यानी रवि और सूर्या के सम के 40% के बराबर, 40% मतलब 40/100 या 2/5, यानी रवि की एज बराबर है 2/5 ऑफ आर प्लस एस। तो आपसे कहा गया सूर्या की आयु 9 साल बाद कितनी होगी, तो आप यहाँ से सॉल्व करिए तो आपको मिल जाएगा 5R = 2R + 2S, यानी कि हम कह सकते हैं 3R = 2S हो गया तो हम कह सकते हैं S बराबर कितना हो गया 1.5R, तो S की जगह पे रख दीजिए 1.5R, यानी कि हम कह सकते हैं 12 + R = 1.5R, यानी 0.5R = 12, यानी R की आयु कितनी हो गई, R की आयु कितनी हो गई, अगर R का 0.5 यानी R का आधा 12 है तो R बराबर हो गया 24, R बराबर अगर 24 हो गया तो आप यहाँ से निकालिए किसकी आयु, सूर्या की आयु, तो सूर्या कितना है, सूर्या की आयु है 12 + 24, यानी सूर्या हमारा हो गया 12 + 24, यानी कि 36 साल का। और आपसे पूछा गया सूर्या की आयु आज के 9 साल बाद, यानी 36 में 9 जोड़ दीजिए, आपका आंसर 45। कहा गया 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 20 इज द सेम एज। एक बात बताइए कि 5% ऑफ ए, 5% बोले तो 5/100 ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, बी है, यानी कि हम कह सकते हैं 5A = 100B, यानी कि 5A = अगर 100B हो गया तो हम कह सकते हैं ए 100 है, बी 5 है, यानी कि ए की वैल्यू हमारी आ गई 100 तो बी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि बी परसेंट ऑफ 20, यानी 5% ऑफ 20, 20 का 5% कितना हो जाएगा, 20 × 5/100, यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब पूछा गया ये जो है किसके बराबर होगा, अब देखो एक चीज़ बताओ, एक
किसके बराबर होगा। तो 20% ऑफ है, 20% ऑफ है 20 हो जाएगा, 50% ऑफ है, 50% ऑफ है 50 हो जाएगा, 20% ऑफ है 20 हो जाएगा, और 50% ऑफ है कितना हो जाएगा, 50% ऑफ ए, अच्छा हाँ यहाँ 20% ऑफ ए बाई 20, ये देखिए डी ऑप्शन देखिए, 20% ऑफ ए बाई 20, डी ऑप्शन को देखिए, तो 20% ऑफ ए बाई 20, ए बाई 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बाई 20 यानी 5, 100 बटे 20 की वैल्यू 5, तो 20% ऑफ 5 कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, कहा गया है ये मैंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाई 5 लाख्स, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%, ही नाउ पेज आरएस 10,000 मोर इनकम टैक्स, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। कहा गया कि एक आदमी की आय 5 लाख बढ़ जाती है और जो टैक्स वो पहले टैक्स का रेट था वो पहले 12% पे करता था, अभी वो केवल 10% पे कर रहा है, लेकिन फिर भी वो 10,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहा है, किससे, शुरुआत में पे करता था उससे। तो आपसे कहा मतलब पूछा गया है कि उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें पहले आए तो x अगर हम माने तो अभी कितनी हो गई x प्लस 5, पहले अगर x थी तो अभी x प्लस 5 हो गई, पहले इनकम टैक्स की रेट थी 12%, अभी हो गई है 10%, और कहा गया 10,000 का अभी भी अंतर है, 10,000 ये वाला ज़्यादा है, यानी इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 10,000 का है। अब आपसे पूछा गया x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बढ़िया हुई है हमने x प्लस 5 तो मानी है, तो देख लो एक चीज़ बताओ, x की वैल्यू जो भी आएगी वो लाख में आएगी, क्योंकि हमने x प्लस 5 मान लिया है, x मान लो हमने उसकी शुरुआती आय x लाख मानी है, तो अब हो जाएगी x प्लस 5। ठीक है, अब देखो x का 12% पहले पे करता था, यानी पहले कितना पे करता था, 12x/100, और अभी कितना पे करता है, x प्लस 5 इंटू 10/100, और कहा गया जो ये है x प्लस 5 इंटू 10/100 ये इससे 10,000 ज़्यादा है, यानी इसमें 10,000 जोड़ेंगे तब ये मिलेगा, यानी हम कह सकते हैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा, 10x+50-12x, क्योंकि हर बराबर है, बटे 100 बराबर हो जाएगा 1 के बाद 4 जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50-2x बराबर 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 10,000 में 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 10,000 में 100 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 10 लाख, यानी कि हमारा हो गया 50-2x=10 लाख, यानी कि 2x=40 हो गया 40 लाख, अगर 2x=40 लाख हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20, यानी पहले आए उसकी कितनी थी, 20 लाख, और आपसे पूछा गया इंक्रीज इनकम यानी 20+5 यानी 25 लाख रुपये वो कमाता है अभी। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा गया 0.09%, यानी 0.09% लगा है, यानी बटे 100 कर दो, ऑफ 25%, 25% को लिख लो 25/100 यानी 1/4, ऑफ 1200 यानी 1200 का निकालना है, तो 4 से कटेगा 300, और 300 में 100 से भाग होगा 3, 3×0.09 यानी 0.27 आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखो, कहा गया व्हेन ये नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20 इट बिकम्स 116% ऑफ इटसेल्फ। एक चीज़ बताओ, पहले वो अपने आप की 100% रहती है, अभी हो जाती है 116%, यानी परसेंट में कितने का चेंज आता है, 16% का, कितना बढ़ाने पे, 20 बढ़ाने पे, यानी 16% नंबर का 20 के बराबर है, जो भी नंबर है उसका 16% 20 के बराबर है, तभी तो 116% हो जाती है, यानी अगर 16% 20 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 20/16 के, यानी 5/4 के बराबर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 1.25, यानी कि अगर 1% किसी संख्या का 1.25 है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 100%, यानी कि 100×1.25 यानी 125 है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया टू नंबर्स आर 50% and 75% लेसर देन ये थर्ड नंबर, बाई हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इट इक्वल टू फर्स्ट नंबर। कहा गया कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या के 50% और 75% छोटी हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या जो है अगर ये थर्ड संख्या 100 है तो पहली वाली 50 कम है यानी 50, और दूसरी वाली 75% छोटी है यानी कि कितना है, 25 है। अब आपसे पूछा गया कि दूसरी नंबर को कितना बढ़ाया जाए, कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए, 25 में कितना जोड़ा जाए कि 50 हो जाए, आप कहेंगे 25 जोड़ दो, और 25-25 का कितना परसेंट है, 100% है। देखो कहा गया कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम ₹60 per liter टू ₹75 per liter, क्या हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली बाई 10%। देखो कहा गया कि अगर ₹60 per liter पहले पेट्रोल था तो अभी कितना हो गया, ₹75 per liter, तो कहा गया कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए, यानी कि उपभोग कितना कम करना चाहिए ताकि जो खर्च है वो केवल 10% बढ़े। एक चीज़ बताओ,
60 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पहले मिलता था। हम मान लेते हैं कि 600 रुपये हम खर्च करते थे, कुल कुछ भी मान सकते हैं जो 60 के टेबल का हो। हम मान लेते हैं कि 60 रुपये अगर पहले मिलता था तो 600 रुपये का वो पेट्रोल खरीदता था, यानी कितना लीटर खर्च करता था, 10 लीटर। अब कहा गया कि 75 रुपये में पेट्रोल हो गया और जो खर्च है उसका वो 10% बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए कि खर्च जो है 10% बढ़ता है, यानी कि खर्च कितना हो जाता है, 660 रुपये। अब 75 रुपये प्रति लीटर है, 660 लीटर वो खर्च करता है, 660 रुपये का पेट्रोल यूज करता है, यानी 660 बटे 75 लीटर यूज करता होगा। तो आप 5 से काटेंगे ये 15 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 132, यानी 3 × 5 = 15 = 44, यानी 8.8 लीटर वो अभी यूज करता है। पहले वो यूज करता था 10 लीटर, अभी वो कर रहा है 8.8 लीटर, यानी कितना कम हुआ, 1.2 लीटर। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 1.2। पहले यूज करता था 10 × 100, यानी कि 10 से कटेगा 10, 10 × 1.2 यानी 12% वो क्या करता है, कम कर देता है। कहा गया इफ 35% आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स एट फेल्स बाई 24 मार्क्स, व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स। एक चीज़ बताओ, मैक्सिमम मार्क हम कुछ भी मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क का 35% अगर वो पा जाएगा, यानी 35/100 पा जाएगा तो पास हो जाएगा। और आपको कहा गया 200 नंबर पाने के बाद वो 24 नंबर से फेल हो जाता है, यानी 200 में अगर 24 हुआ और पा गया होता तो पास हो जाता, यानी कि 224 पासिंग मार्क है। तो हम कह सकते हैं 35 से काट दो, या 5 × 35 5 × 20 = 100, 7 से काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 32, यानी मैक्सिमम मार्क कितने हो गए, 32 × 20 यानी 640। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया ये स्टूडेंट गेट्स 22 मार्क्स मोर इन फ्रेंच देन व्हाट सी गॉट इन जर्मन, यानी कि जर्मन में जितना पाता है उससे 22 मार्क्स ज़्यादा फ्रेंच में पाता है, यानी जर्मन में कुछ भी पाता है तो उससे कितना 22 मार्क ज़्यादा पाता है फ्रेंच में। कह गया हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स, व्हाट आर हर फ्रेंच मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि एक स्टूडेंट है जो 22 नंबर ज़्यादा पाती है फ्रेंच में जर्मन से, यानी जर्मन में अगर वो एक्स पा रही थी तो ये फ्रेंच में कितना पाती है, एक्स प्लस 22। और कहा गया कि जो जर्मन के मार्क हैं, यानी एक्स जो है वो 28% है किसका, 28% बोले तो 28/100 है किसका, सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स, यानी फ्रेंच और जर्मन मार्क्स की योग के, यानी एक्स प्लस 22 के 28% के बराबर है। तो आपको बताना है फ्रेंच के मार्क कितने थे, यानी एक्स प्लस 22 की वैल्यू बतानी। सॉल्व कर लीजिए, यानी 4 × 7 = 28, 4 × 25 हो गया, यानी 25x बराबर हो गया 7 × 2x, यानी 14x + 154, यानी 11x = 154 हो गया, यानी x बराबर हो गया 14। अब आपसे पूछा क्या गया, फ्रेंच के मार्क पूछे गए, तो फ्रेंच में x प्लस 22 यानी 14 + 22 यानी कि 36। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका ऑप्शन डी था। ये एकदम सेम क्वेश्चन है, तो देखो इसमें क्या करना है, कहा गया एक आदमी की एनुअल इनकम जो है वो 1.2 लाख बढ़ जाती है, लेकिन जो टैक्स है वो 12% से घट के 10% हो जाता है। कहा गया उसको पहले के बराबर ही रुपया देना पड़ता है टैक्स के रूप में, तो उसकी इंक्रीज्ड इनकम कितनी है, यानी पहले अगर इनकम एक्स थी तो अभी एक्स प्लस 1.2 हो गई, पहले वो देता था 12%, अभी दे रहा है 10%, और दोनों टैक्स बराबर है, यानी इसका 12% बराबर इसके 10% के, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी हम कह सकते हैं 1.2x, अरे 12% यानी 12/100, तो 100 दोनों का कट जाएगा, यानी 12 × x बराबर हो गया है आपका 10 × x + 1.2, यानी हम कह सकते हैं 1.2x, या ऐसे ना करो सॉल्व भी कर लो, ये हो गया 12x = 10x + 12, यानी कि कितना हो गया 2x = 12, यानी x बराबर 6 लाख। पहले वो कमाता था 6 लाख, तो आपसे इंक्रीज इनकम पूछी गई, यानी 6 + 1.2 यानी 7.2 लाख। कहा गया 0.06%, यानी 0.06/100 ऑफ 250%, 250% बोले तो 250/100 ऑफ 1600, काट दीजिए 50 × 200, 50 × 5 = 250, 5 से कटा 20, 20 से ये कटेगा 80 दे देगा, 80 × 0.06 यानी कि 8 × 0.6 तो ये हो जाएगा 4.8, एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं कर, अच्छा ये 2 भी है, 2 से ये कटेगा तो ये 2.4 दे देगा, यानी आपका आंसर हो गया 2.4। देखो सेम क्वेश्चन है, कहा गया 2 संख्याएं 90% और 75% छोटी हैं तीसरी संख्या से, तो आपसे पूछा गया कि पहली नंबर को कितना बढ़ाया जाए ताकि वो दूसरी नंबर के बराबर हो जाए, यानी तीसरी संख्या अगर 100 थी तो पहली 10 थी, ये 25 थी, 10 से कितना बढ़ाया जाए, 15 बढ़ाया जाए, 15 10 का कितना परसेंट है, 150% है,
समझ आ गया? कहा कि अगर एक संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वो खुद का 140% हो जाती है। इन 216 बढ़ाने पे 140% हो जाती है, यानी संख्या का 40% बढ़ा, संख्या में 40% बढ़ा और 40% बराबर दिया गया 216। तो आपको अगर 40% 216 है तो 250 से इधर गुणा कर दो, यानी 100% कितना हो जाएगा, 216 गुणे 250, यानी कि 108 गुणे 5, यानी कि आपका 540 हो जाएगा। 216 गुणे 2.5 यानी कि 5/2 लिख लो, तो 216 गुणे 5 1080/2 यानी 540 हो गया। कहा गया ये मैन डोनेट्स 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, यानी वो चैरिटी में कितना परसेंट दान कर देता है, 30%। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। कहा गया कि एक आदमी अपने जो टोटल धन है उसका 30% चैरिटी में दान कर देता है, और कहा गया 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन। 30% बचे हुए धन का अपनी वाइफ को दे देता है और 25% अपने बेटे को दे देता है। कहा गया रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज थ्री डॉटर्स, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है पति को, पत्नी को देने के बाद, बेटे को देने के बाद और चैरिटी में देने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसको 3 बराबर भागों में अपनी बेटियों को दे देता है। कहा गया अगर उसकी एक लड़की 42 लाख रुपये पाती है तो आपको बताना है जो आदमी था उसका धन कितना था। अब ध्यान दीजिए, अगर उसके पास, हम ऐसे मान लेते हैं, देखो सॉल्व करो, अगर हम माने कि उसके पास एक्स रुपए थे तो उसने 30% ऑलरेडी दान कर दिया, 30% दान कर दिया तो यानी कि इसका 70% बचा, यानी 7/10 हिस्सा बचा। एक्स रुपए अगर उसके पास थे तो उसका 7/10 बचा। कह गया इसका 30% और 25% उसने अपने वाइफ और सन को दे दिया, इन वाइफ और सन को मिला के कितने दिए, 55%। यानी अभी इसके पास इसका 45%, इस धन का 45% बचा है। अगर इस धन का 55% खर्च हो चुका है तो यानी इस धन का 45% बचा है, यानी 9/20, 45/100 को हम 9/20 लिख सकते हैं। और कहा गया इसको 3 डॉटर्स में बांटा, अगर 3 डॉटर हैं उसके पास और इस धन को 3 डॉटर में बराबर बराबर बांटना है, यानी एक डॉटर को इसका एक तिहाई मिलता होगा और ये बराबर आपको दिया गया 42। तो आपसे कहा गया कि उसका धन यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 से काटेंगे, 7×6 = 42 हो जाएगा, 3 से 1 = 3, 3 से 1 = 2, 2×20 = 10 यानी कि 400। एक्स बराबर कितना हो गया, 400, यानी उसके पास कुल कितने रुपए थे, 400 लाख। ये क्वेश्चन खुद कर लेना, 42 नंबर बहुत सिंपल सा है। 43 में कहा गया व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 24 इट बिकम्स 115%, 115% हो जाती है यानी 15% बढ़ती है, 15% बराबर 24 दिया गया है यानी 1% बराबर हो गया 1.6, तो संख्या कितनी हो गई, 160। ये एकदम सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद करिएगा इस क्वेश्चन को, ये भी सेम है लेकिन मैं करवाए दे रहा हूँ। कहा गया डीजल की जो प्राइस हो 45 रुपये से 50 रुपये हो गए, पहले 45 थी अभी 50 हो गए। कहा गया कि उसको अपने डीजल का जो कंजम्पशन है उसको कितना कम करना चाहिए ताकि उसका एक्सपेंडिचर केवल 5% बढ़े। अब हम मान लेते हैं कि 900 रुपये वो खर्च करता था पहले डीजल पे, यानी 20 लीटर वो खरीदता था। अब कहा गया कि हमें केवल 5% बढ़वाना है, यानी 945 रुपये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 50 रुपये प्रति लीटर है, 945 रुपये में कितना लीटर मिलेगा, आप कहेंगे जी 18.9 लीटर मिलेगा। 20 लीटर पहले वो यूज करता था, अभी वो 18.9 लीटर यूज करता है, यानी 1.1 लीटर उसका कम हो गया, 1.1 लीटर उसने कंजम्पशन कम कर दिया, यानी कितना प्रतिशत कम हुआ, 1.1 कम हुआ आउट ऑफ 20, तो 1.1/20 गुड़े 100 कर देंगे तो 20 से कटेगा 5, 5×1.1 मान लिया 5.5। सेम क्वेश्चन खुद करिएगा, ये भी खुद करिएगा। कहा गया अगर किसी संख्या को 40 बढ़ाया जाता है तो 125% हो जाती है, यानी 25% बराबर 40 हो गया तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, अरे सीधे सीधे मेरे भाई 160 हो गया, 1% बराबर हो गया 1.6, तो संख्या कितनी हो गई, 160। कहा गया कि एक एग्जाम में 300 मार्क्स थे जिसमें एक स्टूडेंट को 75 मार्क्स मिले, और कहा गया इफ़ सी हैड स्कोर 6 मार्क्स मोर सी वुड हैव अटेंड पासिंग परसेंटेज, यानी 75 मिले और 6 नंबर और पाती तो वो पासिंग परसेंटेज पा जाती, यानी 81 नंबर वो पा जाती तो पासिंग परसेंटेज पा जाती। तो आपसे कहा गया पासिंग परसेंटेज कितना है, 300 नंबर की परीक्षा है जिसमें 81 नंबर पाने पर वो पास हो जाएगी, तो पासिंग परसेंटेज कितना है, 81 नंबर पासिंग मार्क आउट ऑफ टोटल मार्क गुणे 100, यानी कि 1, 2, 1, 2, 3 से काटेंगे तो ये 27%, यानी 27% पासिंग मार्क है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया ये मैंस एनुअल इनकम हैज़ इंक्रीज्ड बाय 2 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज़ टू पे हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% to 16%, ही नाउ पेज द, एकदम सेम क्वेश्चन है, यानी एक्स होती है अगर उसकी इनिशियल इनकम तो अभी एक्स प्लस 2 हो गई। कहा गया पहले 20% देता था अभी 16% देता है, तो आपसे कहा गया कि दोनों का टैक्स अगर बराबर हो तो आपको इंक्रीज्ड इनकम निकालनी है, यानी एक्स का 20%, यानी एक्स गुड़े 1/5 बराबर है एक्स प्लस 2 का 16%, यानी एक्स प्लस 2
गुणे 4/25, तो 5 से कटेगा 5, 5 इधर जाएगा, यानी 5x = 4x + 8, यानी x = 8 लाख हो गया, तो बढ़ी हुई आय x + 2 कितना हो जाएगा 10 लाख। कहा गया व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25% देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय x%। ठीक है, कहा गया इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसीप्ट ऑफ द रिवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। कहा गया अगर किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती, यानी अगर 4 थी तो अभी 3 रुपये हो गई, ठीक है, और कहा गया सेल जो है वो x% बढ़ गया, यानी सेल जो भी था वो पहले सेल मान लो 100 वस्तुएं बिकती थी तो 400 रुपये आता था, अभी हमें नहीं पता कितना बढ़ गया, हमें से कहा गया कि x% बढ़ गया, यानी अभी 100+x हो गया। ठीक है, और कहा गया कि जो नेट रिवेन्यू था वो 20% बढ़ गया, यानी 400 न बढ़ के 400 रुपये न मिल के, अरे 4 रुपये की वस्तु थी, 100 वस्तुएं बिकती थी, 400 रुपये रिवेन्यू आता था, अब कहा गया 20% और आता है, यानी अब 480 रुपये आता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 रुपये की वस्तु है अगर बेचने पे 480 रुपये मिलता है तो कितना वस्तु बिकती होगी, 160, 100+x = 160, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 60। कहा गया इन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल्स, यानी मेल हैं 55%, तो फीमेल कितनी बची 45%। ठीक है, अब कहा गया एंड द रेस्ट आर फीमेल। ठीक है, ये 40% ऑफ द मेल, यानी कि इसके मेल के 40% जो हैं वो क्या है, इलिटरेट हैं, 40% 55 का कितना हो जाएगा 22%, यानी 22% इलिटरेट है मेल में, और 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, 40% फीमेल की लिटरेट हैं, 40% लिटरेट हैं, 45 का 40%, यानी कि 18% टोटल का लिटरेट है, अगर 45 में से 18% लिटरेट हैं तो 27% इलिटरेट हो गई। ठीक है, तो कहा गया देन बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स। अब एक चीज बताओ, 55% टोटल मेल थे जिसके 22% क्या हैं, इलिटरेट हैं, तो 33% लिटरेट हो गए। अब आपसे पूछा क्या गया, देन बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, यानी कि 27% से, यानी जो अनपढ़ औरतें हैं उनसे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, किसकी बात की गई है, मेल पुरुषों, मतलब लिटरेट पुरुषों की संख्या, यानी 27% से 33% कितना ज़्यादा, यही इनडायरेक्टली पूछा गया आपसे, आपको पता है कितना परसेंट ज़्यादा है, 27% एक है 33%, तो आप परसेंट भूल जाओ, आपको पता होना चाहिए कि 27 फीमेल हैं और 33 मेल है, तो 27 से 33 कितना ज़्यादा है, 6/27 गुणे 100 कर देंगे, तो आप 3 से काट दीजिए, 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 100 हो गया, यानी 200/9, तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, सही 2/9, यानी 22 सही 2/9% ज़्यादा है। कहा गया इफ ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए प्लस बी देन बाई व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। आपको बताना है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस। कहा गया ए जो है 28% ज्यादा है बी से और सी जो है 25% कम है ए और बी के योग से। देखो ए बी, अगर बी 100 होता तो ए इससे 28% ज्यादा, यानी ए 128 होता, और कहा गया सी जो है वो 25% कम है किससे, ए प्लस बी के योग से, ए प्लस बी का योग कितना हो गया 228, इससे 25% कम है, यानी कि इसका 75% है, यानी इसका 3/4 है सी, 3/4 है, 4 से काट दोगे तो ये आपका आ जाएगा 57, 57 तिया कितना होता है 161 है सी, 171 है सी, सी की वैल्यू कितनी है 171, मैं लिखते रहूँ 171 = C है, तो आपसे कहा गया कि बाई व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए, यानी 171 128 से कितना ज़्यादा है, तो घटा लो 11 में से 8 गए 3 और 6 में से 2 जाएगा 4, 43 128 का कितना परसेंट है, तो 43/128 गुणे 100 कर देंगे, 4 से काट देंगे 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 से फिर काट दीजिए, या 4 से ना काटिए, आप क्या काम करिए 25 और 43 का गुणा कर लीजिए, तो 1075 हो गया, 1075 में 32 से भाग देंगे तो 32 × 3 = 96, आपका बचेगा 11 115, 32 × 4 चार बार जाएगा नहीं 3 बार जाएगा, यानी कि 96 हो जाएगा, आपका बचेगा क्या कितना 190 में 6 बार जाएगा, यानी 33.6% ज़्यादा है। अरे 128 से 171 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 43, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है 43। ये क्वेश्चन देखो, कहा कि ये नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16% देन इंक्रीज बाय 14%, यानी कोई संख्या है जिसको पहले 16% बढ़ाया जाता है फिर 14% बढ़ाया जाता है, अगर द नंबर सो ऑब्टेंड इज नाउ डिक्रीज बाय 30%, यानी जो संख्या प्राप्त होती है उसको फिर 30% घटा दिया जाता है, तो कहा गया व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन द ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो हमारी संख्या थी उसमें कितने प्रतिशत का चेंज है। आपको पता होगा कि अगर x% और
वाई परसेंट के दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट किए जाएँ तो रिजल्टेंट होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी कि 16 प्लस 14 बढ़ाया गया तो 16 प्लस 14 प्लस 16 गुणे 14 बटे 100 यानी 14 छः 84 224 बटे 100 हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 16 14 30 और 2 32.24% का इंक्रीज हो चुका है। यानी हमारी संख्या जो भी थी वो 32.24% बढ़ गई, यानी अगर 100 होती तो अभी कितनी हो गई 132.24। और कहा गया फिर 30% घटा दिया गया, यानी अब संख्या बची इसका 70%, यानी कि इसका 0.7 बची। तो आप सॉल्व कर लीजिए, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 दूनी 14 1 15, 7 3 21 और 1 22, 7 91 7 2 9, यानी कि अभी हमारी संख्या कितनी बची 92.568, यानी घटी कितनी, हमारी संख्या कितनी घटी 100 थी 92.568 बची, यानी 7.432 बची है। यानी हमारी संख्या जो भी थी वो 7.432% घटी है, सॉरी 7.432% घटी है। तो आपसे कहा गया नियरेस्ट इंटीजर के आसपास बताना है कि कितना घटी, तो आप कहेंगे 7.432% घट गई, यानी 7% के नियर अबाउट घट गई। कहा गया राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, यानी राघव जो है वो 80% अपनी इनकम का खर्च कर देता है। कहा गया इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12%, यानी अगर 100 कमाता था तो 80 खर्च करता था, लेकिन कहा गया इनकम उसकी 12% बढ़ गई, यानी अभी 112 हो गई, और जो सेविंग थी वो 10% घट गई। यानी 100 कमाता था 80 खर्च करता था, यानी 20 रुपये बचाता था, और अभी वो 10% कम बचा पाता है, यानी 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 रुपये, यानी अब 18 बचा पा रहा है। तो उसने खर्च करना कितना शुरू कर दिया, 112 कमा रहा है 18 रुपये बचा पा रहा है, यानी वो खर्च कितना करता है 112 माइनस 18 यानी 94 रुपये वो खर्च करता है। अब एक चीज़ बताओ, पहले वो 80 रुपये खर्च करता था, अभी 94 रुपये खर्च करता है, तो कितना परसेंट बढ़ा, 14 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया। तो परसेंटेज में अगर बात करें तो 14/80 × 100 यानी 20 × 50 100 × 20 = 84, 4 से इसमें भाग करेंगे तो 3.5 और गुड़े 5 यानी कि 17.5% एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। कहा गया ए जो है वो 25% ज़्यादा है बी से, और बी जो है वो 40% कम है सी से। कहा गया अगर सी 30% है डी का और 30% ज़्यादा है डी से, तो आपको बताना है कि ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है। आप लिखिए ए पी सी एंड डी। आपको दिया गया ए जो है बी से 25% ज़्यादा है, यानी बी अगर 100 होता तो ए है 125, और बी जो है वो 40% लेस देन सी है। या आप ऐसे करिए, देखो डी को मान लो 100, डी को अगर 100 माने तो कहा गया सी जो है वो 30% ज़्यादा है सी डी से, सी जो है वो 30% ज़्यादा है डी से, यानी कि सी आपका 130 हो गया। अब आपको दिया गया कि बी जो है वो 40% कम है सी से, बी जो है वो 40% कम है सी से, यानी कि 130 का 40% यानी 52 कम है। तो 52 इसमें से घटाओगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि 78 है बी। और कहा गया ए जो है वो 25% ज़्यादा है बी से, 25% बोले तो इसका 1/4 यानी 19.5 इसका इससे ज़्यादा, 19 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 97.5। अब आपसे पूछा क्या गया, देन बाय व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी, यानी ए जो है वो डी से कितना कम है, तो आप कहोगे डी से कितना कम है ए, आप कहोगे 100 से 97.5 घटाइए तो 2.5 कम है, तो 100 का 2.5 कितना परसेंट है, 2.5%। कहा गया कि एक क्लास में 83 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, ठीक है 83 1/3% होता कितना है, आप कहेंगे 83 1/3% होता है 250/3%। यानी कि किसी कॉलेज में अगर 300 लड़कियां हो 300 स्टूडेंट होते तो उसका 250/3% क्या है गर्ल्स हैं, यानी कि 250 गर्ल्स हैं और बॉयज़ कितने हैं 50, टोटल अगर 300 है तो गर्ल्स अगर 250 हो गई तो बॉयज 50 हो गए। अब कहा गया इफ 60% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, यानी कि 50 में से कितने 60% प्रेजेंट हैं, यानी 30 लड़के प्रेजेंट हैं, और 80% ऑफ द गर्ल्स यानी 200 गर्ल्स प्रेजेंट हैं, तो कहा गया देन व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एबसेंट। अब एक चीज़ बताओ, 250 में से 50 यही एबसेंट हो गए गर्ल्स में से, और 50 में से 30 प्रेजेंट है यानी 20 यहाँ एबसेंट हो गए, यानी 50-20 70 लोग एबसेंट है आउट ऑफ 300। तो आपसे पूछा गया कितने परसेंट एबसेंट है, तो आप कहोगे 70/300 × 100 यानी कि 70/3 यानी 23.1%। सेम क्वेश्चन है, कहा गया ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम, यानी इनकम मान लो 100 रुपये थी तो एक कितना रुपये एक्सपेंडिचर है उसका 65 रुपये।
कहा कि हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20.1%, यानी अभी उसकी इनकम हो गई 120 रुपये 10 पैसे, और कहा गया उसका एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ गया, 20% बढ़ा, 65 का 20% यानी 13 बढ़ गया, यानी 78 रुपये अभी वो खर्च करता है। तो सेविंग में क्या परिवर्तन है, एक चीज़ बताओ, पहले 100 रुपये कमाता था तो 65 खर्च करता था यानी सेव करता था 35 रुपये, अभी 120 रुपये कमाता है तो वो 78 रुपये खर्च करता है, यानी अभी सेविंग कितना करता है 42 रुपये 10 पैसे। 35 से कितना ज़्यादा है आपका, 35 से 42.10 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कितना ज़्यादा है, 7.1 ज़्यादा है। तो आपसे आपसे पूछा गया कि उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, आपको पता है कि 35 से बढ़ के कितनी होगी, 35 से 7.1 बढ़ी है, यानी कि कितना परसेंट बढ़ी, 7.1/35 × 100 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 710/35, ये आपका 20% के आसपास हो जाएगा। एक मिनट, हमने कहीं गलत कर दिया क्या, 10 में से 2, 11 में से 7 घटेगा 4, यानी पहले 65 खर्च करता था तो 35 सेविंग होती थी, अभी 42, यानी 7। एक मिनट, ये देख लीजिएगा, ये कहीं गलत है, इनका आंसर ही गलत है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया है ना, तो चेक कर लीजिएगा कहीं हमने कैलकुलेशन में तो गलती नहीं। कहा गया इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, यानी जो 60% है किसी संख्या का वो उसके 20% से 120 ज़्यादा है, यानी 60% और 20% का अंतर जो है वो है 120, यानी कि 40% संख्या का कितना है 120, यानी संख्या कितनी हो गई 300। अब आपसे पूछा गया देन 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 1/3% ऑफ द नंबर बाई, यानी कि 28% 33 1/3% से कितना कम है, तो आपको पता है 28% 33 1/3% से कितना कम है, 5 1/3%, 5 1/3% कहने का मतलब 16/3% कम है, 300 से 16/3% कम है, यानी कि कितना कम है, 300 का 16/3% कम होने का मतलब 16 कम है, कितना कम है, 16 कम है, 300 का 16/3% कितना हो जाएगा 16। सेम क्वेश्चन है, कहा गया इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19% एंड सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, बाय व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। कहा गया कि अगर किसी मतलब पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यानी 100 रुपये अगर शुरू में थी तो अभी 119 हो गई, कहा गया सुनीता जो है वो केवल 12% ज़्यादा खर्च करना चाहती है, यानी कि अगर वो 1000 खर्च करती थी तो अभी वो केवल 12% बढ़ाना चाहती है, यानी 1120 रुपये अभी वो कुल खर्च करना चाहती है। तो आपसे कहा गया कि कितना परसेंट उसको यूज कम करना चाहिए, अगर 100 रुपये में पेट्रोल था, 1000 रुपये का पेट्रोल यूज करती थी, यानी 10 लीटर पेट्रोल यूज करती थी, अब 119 में हो गया और 1120 का पेट्रोल यूज करती है, यानी 1120 बटे इसको अराउंड फिगर में मानो 120 रुपये लीटर मानो, तो कितना यूज करती है, 12 9 108 और ये 40, तो 12 3 36 और ये आपका हो जाएगा 9.4 लीटर मानो, लगभग 9.4 लीटर मान लो, क्योंकि यहाँ पे देखो 120 से हम भाग कर रहे हैं जबकि करना है 119 से, यानी जितना भी आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 9.4 लीटर मान लो आप वो यूज कर रहे हैं, वो पहले यूज कर रही थी 10 लीटर, अभी यूज कर रहे हैं 9.4 लीटर, यानी 0.6 लीटर उसकी कम जो खपत थी वो कम हो गई, 10 लीटर पे 0.6 लीटर, यानी कितना परसेंट, 6%, समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया जो बसीर है उसका वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज। आपसे कहा गया कि उसका जो एक घंटे मतलब मान लो वो 10 घंटे काम करता था या मान लो 20 घंटे कार्य करता था, तो अब वर्किंग आवर 15% बढ़ा दिया गया, यानी अब वो 23 घंटे कार्य कर रहा है, ठीक है, और कहा गया जो उसका मतलब मजदूरी थी प्रति घंटे की वो 20% बढ़ा दी गई, यानी पहले वो 5 रुपये पाता था तो अभी वो कितना पाता है, 6 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि उसकी डेली की जो दिन की मजदूरी है वो कितना प्रतिशत घटती या बढ़ती है, आपको पता है पहले वो 20 रुपये 20 घंटे कार्य करता था 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से, यानी 100 रुपये पाता था, अभी 23 घंटे कार्य करता है 6 रुपये के हिसाब से, यानी 138 रुपये पाता है, तो 100 से 138 यानी कितना परसेंट बढ़ गया, 38%। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, कहा गया ए बी एंड सी स्पेंड 80% 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स रिस्पेक्टिवली, यानी ए बी और सी कितना एक्सपेंड करते हैं, वो 80% खर्च करता है ए, बी 85% एंड सी खर्च करता है 75%। क्योंकि इफ देयर सेविंग्स आर इन रेशियो ऑफ 8:9:20 एंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ ए एंड सी इज 118,000 रुपीज़, देन इनकम ऑफ बी, आपसे कहा गया कि ए बी सी कुछ कमाते हैं, ठीक है, ए बी सी कुछ कमाते हैं और कहा गया कि वो
ए अपनी कमाई का 80% खर्च कर देता है, बी अपनी कमाई का 85% खर्च कर देता है और सी अपनी कमाई का 75% खर्च कर देता है। यानी ये सेविंग कितनी करता है, ये 20% करता है, बी 15% करता है और सी 25% खर्च करता है, ठीक है, बचाता है, सॉरी ए 20% बचाता है, बी 15 और सी 25% बचाता है। और कहा कि उनकी सेविंग का जो रेशियो है वो 8:9:20 है। यानी ए की कमाई अगर ए रुपये हो तो आपको दिया गया है ए की कमाई अगर ए रुपये हो तो बचाता कितना है, ए का 20%, यानी ए गुड़े 20/100, और बी अपनी कमाई का 15% बचाता है, यानी बी गुड़े 15/100, ठीक है, और सी अपनी कमाई का कितना बचाता है, 25%, यानी सी बचाता है, सी गुड़े 25/100। ये अनुपात दिया गया है 8:9:20, यानी कि ए और सी का अनुपात देखो कितना है, 8:20, यानी इसका बटे इतना, ए की सेविंग इतनी है, सी की सेविंग इतनी है, ये बटे इतना बराबर 8/20, 100-100 काट दो, यानी आपको दिया गया है ए गुड़े 20 बटे सी गुड़े 25, यानी 4A/5C बराबर, 4 से काट दो, 2/5, यानी हम कह सकते हैं कि 4A/2C हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं सी बराबर हो गया 2A, यानी सी 2A के बराबर कमाता है। अब आपसे कहा गया है कि ए और सी की कमाई के बीच का अंतर 18,000 है, अगर सी बराबर 2A है तो सी माइनस ए बराबर 18,000, यानी ए बराबर हो गया 18,000, ए की कमाई कितनी हो गई 18,000। अब अगर ए की कमाई 18,000 हो गई तो आप कहेंगे इसी में पुट कर लो, यानी ए का 20% यानी कि 3600 बटे बी का 15%, तो बी गुड़े 15 लिखे रहो, बराबर ए और बी का अनुपात कितना दिया गया, 8/9, यानी 8/9, यानी यहाँ से काट दो, 3×5=15, 3×9 ये 5 से कटे गए आपका हो जाएगा 720, 8 से कट के 90 हो जाएगा, यानी कि बी बराबर आ जाएगा 9×3=27, यानी बी कितना कमाता है, 27,000 रुपये कमाता है। तो आपको बी की इनकम बतानी थी, डन। कहा गया द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, हाउ एवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाई 81/3%, यानी कि जो पेट्रोल की प्राइस थी वो अगर 5 रुपये शुरुआत में थी तो अभी 6 रुपये हो गए, लेकिन इसका कंजम्पशन जो था वो 8 से 1/3%, मतलब 25/3% कम कर दिया गया, 25/3% कम कर दिया गया जो कंजम्पशन था। एक चीज़ बताओ, हम मान लेते पहले 100 या 300 लीटर, मानो 300 लीटर अगर वो खर्च करता था तो अभी वो 8 से 1/3% कम, यानी 25/3% कम, यानी कि अभी वो 25 लीटर कम खर्च करता है तो 275 लीटर खर्च करता होगा। कहा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट, 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था, 300 लीटर खर्च करता था यानी 1500 रुपये खर्च करता था, और कहा कि अभी 6 रुपये प्रति लीटर हो गया और 275 लीटर खर्च करता है, यानी 6×5=30, 6×7=42, 3×45 और 6×2=12 और 4×16, यानी 1650 रुपये अभी खर्च करता है, तो कितना बढ़ा, 1500 पे 150 रुपये बढ़ गया, यानी 10% एक्सपेंडिचर अभी बढ़ा है, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ करता है 10% से। कहा गया इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन वाई। अगर 25% बोले तो 1/4 ऑफ हाफ ऑफ एक्स, यानी कि ऑफ ऑफ के लिए एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स, 2.5 को लिख लो 5/2 ऑफ द वैल्यू ऑफ 30%, 30% बोले तो 3/10 ऑफ 1/4 ऑफ वाई, यानी 1/4 ऑफ वाई। तो आपको बताना है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। अब देखो 4 और 2 दोनों कट गए, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से 10 को इधर मल्टीप्लाई, या 5 से काट दो, 5×2=10, यानी 2x/3y, यानी x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू 2 हो गई। तो कहा गया x जो है वो y से कितना कम या ज़्यादा है। देखो y है 2, x है 3, तो x कितना ज़्यादा है y से, x इज लेस देन ग्रेटर देन 1, यानी x इज प्लस, x जो है वो प्लस में है 1 रुपये। अगर y 2 रुपये है, x 3 रुपये है, तो x 1 रुपये ज़्यादा है, 1 रुपये ज़्यादा है, यानी कि कितना परसेंट ज़्यादा है। अरे देखो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, y से कितना ज़्यादा है 1 रुपये, तो कितना परसेंट हो गया, 2 का कितना परसेंट है, 50%। कहा गया इन एन एग्जामिनेशन ए ऑप्टेन 10% मोर मार्क्स देन बी, बी ऑप्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, एंड सी ऑप्टेन 32% लेस मार्क्स देन डी। इफ़ ए ऑप्टेन 272 मार्क्स देन सी, देन द मार्क्स ऑप्टेन बाय बी इज, देखिएगा ए बी सी एंड डी के बारे में दिया गया कि ए जो है वो 10% ज़्यादा पाता है बी से, बी जो है वो 20% ज़्यादा पाता है सी से, और सी जो है 32% लेस पाता है डी से,
यानी डी अगर 100 पा रहा होता तो सी इससे 32% कम यानी सी 68 पा रहा होता है, और जो आपको कहा गया बी का मार्क, बी जो है इससे 20% ज़्यादा है, 20% बोले तो इसका 1/5 हिस्सा ज़्यादा है, यानी 1/5 हिस्सा कितना हो जाएगा 13.6 ज़्यादा, 13.6 ज़्यादा यानी कि 81.6 बी पाता है, और बी से 10% ज़्यादा पाता है ए, यानी 8.16 ज़्यादा पाता है ए, यानी कि ये पाता है 89.76। अब आपको क्या दिया गया कि ए और सी के मार्क्स के बीच का अंतर जो है वो कितना है 272 है, ए और सी के बीच के मार्क्स का अंतर जो है वो कितना है, कितना दिया गया है 272, ए का मार्क कितना है, बी का मार्क, सी का मार्क कितना है घटाओ तो ये कितना हो जाएगा 21.76%, 21.76 आपको दिया गया 272, तो आपसे कहा गया है कि कितना निकालना है, बी के मार्क निकालने हैं, यानी कि आपको 81.6 निकालने, अगर 21.76% बराबर 272 है तो आप कहेंगे 1% बराबर हो जाएगा 21.76 जो हमारा आया वो 21.76 बराबर दिया गया 272% में नहीं, 21.76 बराबर 272 दिया गया, तो आपसे निकालने को कहा गया 81.6, तो आप कहेंगे 81.6 कितना हो जाएगा 272/21.76 गुड़े कितना 81.6। सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, सॉल्व करिए तो 8 से कट रहा है 8 दूनी 16 5 57, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 से इसको काटेंगे 102, 272 से ये कट गया, 272 से पूरा कट गया, यानी ये कितना नंबर पाता है 1020, अरे ये 10 आ जाएगा और 10 × 102 यानी 1020 आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम, यानी मोनिका जो भी कमाती है 100 रुपये कमाती है तो स्पेंड कितना करती है 72 रुपये। कह गया इफ़ हर इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, यानी वो अभी 120 रुपये हो गई उसकी आय बढ़ के, और सेविंग जो है वो 15% बढ़ गई। अब देखो पहले अगर वो एक्सपेंडिचर 72 रुपये करती थी तो सेविंग कितनी थी 28 रुपये, लेकिन अभी उसकी सेविंग जो है वो 15% बढ़ गई, यानी 28 का 1.15 गुना हो गई, तो आपको बताना है एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। एक चीज़ बताओ 28 का 1.15 गुना 28 × 5 = 140 और 28 × 14 = 42 और हासिल कितना आया था 28 × 28 = 432 यानी 32.2 उसकी सेविंग हो गई। पहले वो कितना सेविंग करती थी 28 रुपये, अभी करती है वो 32.2 रुपये। पहले वो 100 रुपये कमाती थी, अभी 120 रुपये। अगर 120 रुपये कमाने के बाद 32 रुपये की सेविंग करती है तो उसका खर्चा कितना होता होगा 120 − 32.2 यानी कि आप घटाइए तो 0.8 हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा और ये आपका बचेगा 11 में से 3 जाएगा 87.8 यानी कि पहले वो 72 रुपये खर्च करती थी, अभी 87.8 तो कितना बढ़ा, आप कहोगे जी 15.8 बढ़ गया, 15.8 लगभग इसका कितना परसेंट है, आप कहोगे 15.8 72 का कितना परसेंट है 15.8/72 × 100, 4 से काट दो ये 18 हो गया, 4 से इसको काटोगे तो ये 25 हो जाएगा, 2 से काट दोगे 2×9 = 18 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2×7 = 14 7.9 हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 9 से काट दो इसको तो 9×8 = 72 हो गया, 0.8 हो गया 9×8 = 72, या पहले गुणा कर लो तो 25×8 = 200 में लगभग 9 से भाग करोगे तो आप गुणा कर लो 25×9 = 175 हासिल आई 17, 25×7 = 175 और 17 = 192 यानी 192.5/9 सॉल्व कर लो, 9 × 2 = 18 और 1×12 9×1 = 9 और 21.4% के आपका आंसर आ जाएगा 21.4%। हमने कहीं गलत कर दिया क्या, 25 × 7.25 होता है, 25×7 = 175 और 12 × 197 197 हो जाएगा, ठीक है तो 197 हो जाएगा, तो 9×2 = 18 और 1×17 9×1 = 9 और ये 9×9 = 81 जाएगा यानी 21.9% हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। और ये देखिए आपको यहाँ पे ऐसे आंसर की मिल जाएगी, आंसर की के नीचे जाएंगे तो आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं सारी वीडियोस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आती है तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स, वंदे मातरम।